बंदन पद पंकज बंदन सिमरो अंगद दोख निकंदन अमरदास गुर हृदत आबो गुर हृदत आबो श्री गुरु रामदास गुण गावो श्री अर्जुन विघ्नन के नाशक विघ्नन के नाशक हर गोविंद शोभ सोमत प्रकाशक श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी गुर हर कृष्ण मनाए बहो परम कृपाला श्री गुरु गोविंद सिंह विशाल तरुण तरा पर पुन पुन शीशा पुन पुन शीशा बंदो बार बार जगदीशा जिसमें अमृत ज्ञान है मानक भगत बैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों करिन राग श्री गुरु शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार तिन संतन को बंदना सिर चरणन पर तार एक अंकार सतगुरु तेह प्रसाद सच हो वाहिगुरु जी की फतेह बिघ्न विनाशन सोए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी दोहरा आए मिले श्री गुर निकट देखियो प्रेम विशाल परे चरण कर जोर कर लखे सो प्रभु कृपाल आए मिले श्री गुर निकट परम सन्मान योग गुरु रूप गुरु खालसा सतसंग जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह आप सरबत संगतां बहुत बहुत वड्डियां भागां वाले हो जिन्हां नूं होले महल्ले दे महान जोड़ मेलियां दे समागमां ते सतगुरां दी वसाई होई महान नगरी श्री आनंदपुर साहिब जी विखे सतगुरां दे पावन पवित्र दर्शन करन दा
हाजरियां भरन दा मनुखा जीवन दियां घड़ियां नूं सफल करन दा शुभ सुभागे तो सुभागा समां प्राप्त हो रहा है। दमदमी टकसाल दी इह ब्रांच स्थान गुरद्वारा गुरदर्शन प्रकाश श्री आनंदपुर साहिब विखे होले महल्ले दे विशेष दीवान सजदे हन। अज होले महल्ले दे दूसरे दीवाना दे समागम हन। आप संगतां ने दमदमी टकसाल दे हजूरी रागी जथे भाई साहिब भाई हिम्मत सिंह जी दे जथे तों गुरबाणी दा बहुत ही रस भिन्ना कीर्तन सरवण करके आनंद माणिया है। सतगुरां दे परम पवित्र गुर इतिहास दी कथा मन बिरती नूं एकागर करके आप संगतां सरवण करो। कल आपने सुनिया सी कि भाई नंद लाल सिंह जी जो औरंगजेब दे छोटे पुत्र बहादुर शाह नूं आप ने बड़ी भारी तालीम दिती। बहादुर शाह दे आप फारसी अरबी दे उस्ताद सन। उन्हां नूं जदों बहादुर शाह ने जाके अपने पिता दा सवाल पाया कि कुरान दी एक चौ पई है एक आयत है उस दे अर्थ कोई भी विद्वान अज तक करके मेरे पिता हिंदुस्तान दे बादशाह औरंगजेब दी तसल्ली नहीं करा सकिया और उही सवाल उन्होंने मैनू कर दिता है। मेरी समझ विच नहीं आ रहा कि मैं की उत्तर दियां की अर्थ करके दसां अपने पिता दी की तसल्ली करावां। भाई नंद लाल सिंह जी कहन लगे आ प्यारे शगिरद तू चिंता तो रहत हो जा इस आयत दे असी अर्थ करके तेनू दसदे हाँ। जदों भाई नंद लाल सिंह जी ने सारे अर्थ किते बहादुर शाह दा मन गदगद होया और ओही अर्थ जा के औरंगजेब नू सुनाए। औरंगजेब हैरान रह गया कि हिंदुस्तान विच कोई एडा वड्डा जालम फाजल नहीं जेड़ा ए कुराने पाक दे अर्थ करके मेरी तसल्ली करा सकता सी। बहादुर शाह नूं कहन लगा पुत्र ये तेरी सोच समझ तो बाहरले अर्थ है ये सच सच दस तू कित्थों सिख के आया। तां उसने भाई नंद लाल सिंह जी का जिक्र किया कहन लगा मैं उन्हूं मिलना चाहुंदा हाँ जिहड़ा एडा वड्डा हिंदुस्तान विच विद्वान है जिसका कोई दूसरा सानी नहीं। जदों भाई नंद लाल सिंह जी राजे दी औरंगजेब दी कचहरी दे विच आए भाई नंद लाल सिंह जी दा सिक्खी वाला लिबास देख के औरंगजेब तो सहारिया नहीं गया। उन्हां दी विद्या दी तालीम दी तां शाबाश दित्ती पर अपने पुत्र दे कन्न विच खास तौर ते समझाया कि ए दूसरे मजहब दे विच रहण दे योग नहीं इस नूं मुसलमान बनाओ। इस दे मुसलमान बन दे नाल अपना मजहब इस्लाम धर्म जिसनों मुसलमान कहा जाता है ये दुनिया विच बहुत वड्डी पद्धर ते फैल जाएगा। जिमें किमें करके तू इस नूं मुसलमान बनाउणा कर। उस वक्त बहादुर शाह सुन के भाई नंद लाल सिंह जी दे पास आया सारी गल दसी कहन लगे भी मेरे पिता दी आ मनशा है जिन्ना धन चाह वह भी देण नूं तैयार है वड्डे तो वड्डा मुरातबा पदवी भी जे उहदा भी चाहीदा वह भी देण नूं तैयार है पर तुहानूं मुसलमान बनाउणा चाहुंदा है। जेकर तुसीं इत्थे रहना चाहुंदे हो फिर मुसलमान बनना पएगा। जे अपना धर्म नहीं छड्डना चाहुंदे गुरसिक्खी धर्म फिर तुहाडी जिवें इच्छा है उवें करो। भाई नंद लाल सिंह जी बादशाह दे छोटे सपुत्र बहादुर शाह नूं अखीरली फतेह बुला के दिल्ली तो तुरे है। एक जो फौजां दा दरोगा सी मुखी सी जरनैल
वो भी भाई साहब का प्रेमी सी, वह भी भाई साहब तो बिना रह नहीं सकता सी, उन्हों भी नाल लेके श्री आनंदपुर साहब भाई साहब द्रोगे दे समेत पहुँचे है। जिमें सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह जी ने उत्ते महान बख्शिशां अते रहमतां कर रहे हैं। बहुत ही रसदायक कथा है, प्रेम दे रस विच, आनंद दे रस विच, प्रेमा भगती दे रस विच भिजी हुई कथा। आप संगता मन बिरती नूं एकागर करके सरवण करो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, दोहरा आए मिले श्री गुर निकट। सत संग जी, आप संगतां दे दरमियान सिख पंथ दे सर्वोच्च तख्त श्री अकाल तख्त साहब जी ते जो सिंह अमृत संचार द्वारा गुरु घर दी पंथ दी सेवा निभा रहे हन, वो पंज प्यारे साहबान उचेचे तौर ते पहुँचे है और मुख रूप दे विच बहुत ही सन्मानयोग सिंह साहब भाई दिलबाग सिंह जी, जिन्हां ने महापुरख दमदमी टकसाल दे चौदहवें मुखी कथनी करनी दे पूरे सूरे सूरबीर महाबली जोधे अमर शहीद संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा जी दे समय जथे विच रह के गुरमति दी विद्या प्राप्त की है। उन्हां नूं दमदमी टकसाल दे विद्यार्थी होण दा भी माण है, पर अज उन्हां उत्ते सतगुरु जी की बहुत वड्डी कृपा है। उन्हां दे नाल आए सारे सिंह साहिबानां नूं मैं जियो आया आखदा, रोम रोम करके धन्नवाद करदा। जथेदार भाई सुखदेव सिंह जी उन्हां दा सिरो पाओ द्वारा सन्मान करनगे, क्योंकि पंज प्यारे साहिबानां ने अगे जाना है। सो आओ आपां हुण कथा की आरंभता करते हाँ। भाई साहब भाई आनंद लाल जी धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के चरणों में दिल्ली तो चलते हुए सारिया मजलां तय करते हुए श्री आनंदपुर साहिब आके पहुंचे है। देखियो प्रेम विशाल, सतगुरु जी दे दीवान विच आए, सच्चे पातशाह जी नूं नमस्कार कीती, मत्था टेकिया और सतगुरु सच्चे पातशाह जी दा ऐसा महान नूरानी दर्शन है, जिस दर्शन नूं देख के हिरदे दे विच भाई आनंद लाल सिंह जी दे और द्रोगे दे प्रेम दा समुंदर ठाठा मारन लग पिया। आवाज़ भाई ठीक कर, तेरी आवाज़ नहीं ठीक हैगी। सो ओ समय बहुत भारी प्रेम दे नाल हिरदा भरिया होया है दोनों दा, परे चरण कर जोर कर, इस करके बस ठीक है, दोनों ने हाथ जोड़े है और हाथ जोड़ के सतगुरु महाराज जी के चरणों के विच बड़े अदब सत्कार श्रद्धा भावना के नाल हजूर दे पावन चरणों विच मत्था टेकिया, नमस्कार कीती है। लखे सो प्रभु कृपाल, कृपालू सतगुरु जी ने इन्हां दा प्रेम इन्हां दी श्रद्धा जानी है कि बहुत श्रद्धा दे नाल चल के आए और दर्शन करन वास्ते पहुँचे हैं। इन्हां दे हिरदे दी जो हालत है, जो इन्हां दे हिरदे दी भावना है, उस नूं सतगुरु कलगीधर पातशाह अंतरजामी सतगुरु जाणदे है। चौपाई आनंद लाल ने भेट चढ़ाई, भाई आनंद लाल जी ने सतगुरां दे चरणां विच इक भेटा चढ़ाई बड़े प्रेम दे नाल, धन माया पदार्थ तों अलावा बीच फारसी बैत बनाई, ओ फारसी दे विच बड़े सुंदर बैंत जिवें सवैया हुंदा कवित हुंदे है, इवें साध संगत जी फारसी विच बैंतां दी रचना हुंदी है, चौं चौं पंक्तियां वाले बैंत हुंदे है, इस तो वध घट भी विद्वान मनदे है, इस करके वह बैंत सतगुरु जी दे जस विच बनाए होए फारसी दे विच कलगीधर पातशाह जी दी जिहदे विच बड़ी भारी महिमा कीती होई सी, वह बड़ा सुंदर ग्रंथ सतगुरु जी दे चरणां विच बड़े अदब दे नाल भेटा कीता है। सतगुर सिफत ब्रह्म को ज्ञान, और उहदे विच सतगुरां दी महिमा कीती होई है, जिहड़ी रचना है भाई साहब जी दी बाणी
और परमेश्वर वाहिगुरु दे ब्रह्म ज्ञान दी भी बहुत वड्डी महिमा कीती है। जुगत उकत बौरीत बखान, बड़ी जुगती नाल, बड़े ढंग तरीकियां दे नाल, बड़िया सुंदर दलीलां ते प्रमाण दे दे के बहुत सतगुरु जी दा जस उन्हां बैंतां द्वारा उचारण कीता है जो लिखिया होया है। मुस्काबत दसमें पातशाहू, जदों सुनिया सतगुरु जी ने वो जस, वह ग्रंथ पकड़ के अपने हत्थां विच लै के वेख्या, आप पढ़िया, तो सतगुरु जी बड़े मुस्कराए अते बहुत प्रसन्नता कीती भाई साहब दे उत्ते। कृपा करत बूझत पेता हूं, कृपा करके भाई नंद लाल जी नू सच्चे पातशाह जी ने पूछया उस समय, आन्यो कहां सुनावो प्यारे, हे प्यारे ए तू कित्थों बना के लेके आया है और ये जो महिमा तू अपनी रसना तो उचारण करके लिखी है ये सारे दीवान विच संगता नू अपने मुखार बिन तो अपनी रसना तो पढ़ के सुनाउणा कर। क्या इस पोथी बीच उचारे, इस पोथी विच की उचारण कीता होया, की लिखिया होया है। असी तो जानते हाँ सतगुरु आप फारसी अरबी दे बहुत वड्डे विद्वान सन, पर महाराज कहिंदे संगतां नूं भी सुना, संगतां नूं भी समझ आए, इस लई हे प्यारे इस पोथी विच की लिखिया होया है अपनी रसना तो बोल के आप उचारण करके दसना कर। कितक बैंत नंद लाल सुनाई, जदों किन्ने क बैंत भाई नंद लाल जी ने सतगुरां दी हजूरी विच खड़ के सतगुरां दी महिमा विच ओ छंदा बंदी दे बैंत सुनाए। करे माए ने नीक बनाई, फिर अरबी फारसी दे विच जो उन्हां दे अर्थ बनदे सन, भाषा बड़ी कठिन सी पर अर्थ बड़े सुखैन सन, वो सारे अर्थ बड़ी चंगी तरह सारिया संगतां नूं खोल के सुनाउणा कीते, संगतां नूं समझाया उन्हां बैंतां दा उन्हां पंक्तियां दा जो मतलब सी। करियो बंदगी नामा मोहे, महाराज इस पोथी दा नाम बंदगी नामा मैं बनाया, भाव इस पोथी दा सिरलेख है बंदगी नामा, ये मैं आप जी दे चरणा की बंदगी ये दे विच कथन कीती है, वाहिगुरु की परमेश्वर की बंदगी, ब्रह्म का परमेश्वर का ज्ञान उदी बंदगी उचारण कीती है, इस करके इस पोथी का नाम मैं बंदगी नामा रखिया है। महिमा गिरते कन सम होहे, हे सच्चे पातशाह तुहाडी महिमा तो पर्वत जिड्डी है, पर्वत नालों भी वड्डी है, पहाड़ नालों समेर नालों भी वड्डी है, पर जो मैं महिमा इस पोथी विच लिखी है तो किनका कमात्र है, जिन्नी कमारा तुसी मैनू सोझी दित्ती, माण हंकार नहीं कीता कदे भी, कोई सेवा करके, कोई जप तप करके, कोई वड्डे तो वड्डा कार्ज करके निम्रता रखनी, सब कुछ गुरु दा परमेश्वर दा समझना, यही सब तो वड्डी बख्शिश होया करदी है। कहन लगे महाराज तुहाडी महिमा तो सुमेर पर्वत वर्गी है, मैं तो किनका मात्र, जिमें एक रेत का किनका हुंदा, इन्नी की तुहाडी सिफत महिमा वड्याई जस कथन कीता है इन्हां बैंतां विच। अहै जथा मत तथा बनाई, जिहो जी मत तुसी मैनू दित्ती, जिहो जी सोझी दित्ती, जिहो जिहा ज्ञान मेरे अंदर तुसी सुपुरन कीता, उह जिहा बना के मैं तुहाडा जस कीता है, अंकित कीता है, गुंथन कीता है। कर बेहित बानी सफलाई, मैं अपनी बाणी नूं, अपनी रसना नूं, अपनी काव नूं सफली करन वास्ते सतगुरु जी तुहाडा जस कीता है, गाया है। गुण समुंदर को लखै तुम्हारे, तुहाडे गुण तां समुंदर दी तरह हन, जिमें समुंदर दा कोई अंत नहीं पा सकदा, इस तरह तुहाडी महिमा वड्याई दा कोई गुणा दा अंत नहीं पाया जा सकदा, इन्ने वड्डे गुण हन आप जी दे। जल परंत ले काज सुधारे, जिमें कोई बंदा समुंदर विच्चों जल लै के अपना काम पूरा कर लैंदा, लोड़ अनुसार वरतों कर लैंदा, कोई इशनान कर लैंदा, कोई पी के प्यास मिटा लैंदा, पानी विच्चों जिमें पानी दे वड्डे सोमे विच्चों जल लै के
कोई बंदा अपना काम सवार लेंदा है जिन्नी कोनू लोड़ हुंदी है। करह स्नान आदि मल हरे, जे स्नान दी लोड़ हुंदी है स्नान करके अपने शरीर दी मैल सारी ला लेंदा है। लहन पार जथा मत ररे, इस करके महाराज जा महाराज उस जल नू पी के अपनी प्यास बुझा लेंदा है। इस करके इस तरह महाराज पर समुंदर दा अंत नहीं पाया जा सकता। इस तरह सच्चे पातशाह जिहो जी मत तुसी मैनू बख्शी, जिहो जे गुण बख्शे, जिहो जी मेरी बुद्धि विच ज्ञान बख्शिया, उन्नी क महाराज मैं तुहाडी महिमा कर सकिया। अपना कार्ज सवार लिया, अपने जीवन नू, अपनी बाणी नू, अपने रसना नू महाराज सफल करन दा, बाकी तुहाडा अंत नहीं पाया जा सकता। इन्ने गुणा दे समुंदर हो, दीन बंद निज बिरद संभारो, गरीबां दे रखे कहो सच्चे पातशाह। तुसी अपना जान के बिरद संभालिया होया है कि जो शरण आवे तिस कंठ लावे, दुखियां नू अपने गल नाल लाउंदे हो, तुहाडा बिरद है सच्चे पातशाह। हम से अदम जीव को तारो, साडे वर्गे जिहड़े नीच तो नीत जीव है ना, उन्हां नू तारन वास्ते तुसी महान परउपकार कर रहे हो। इस मनुखा जामे विच तुसी अकाल पुरख रूप सरगुण जामा धारिया, मेरे वर्गे नीचां दा उधार करन वास्ते किन्नी वड्डी निम्रता है। आखो भाई वाहिगुरू, इन्नी वड्डी निम्रता धन भाई साहब दे हिरदे विच। सुन श्री सतगुर कृपा निदान, जदों भाई नंद लाल सिंह जी तो सतगुरु जी ने बचन सुने ना, सतगुरु की महिमा, वाहिगुरु परमेश्वर की महिमा, ब्रह्म ज्ञान की महिमा, तो कृपा दे खजाने सतगुरु महाराज बहुत प्रसन्न होए भाई साहब दे उत्ते। बहुत प्रसन्न होए करत बखान, बहुत ही प्रसन्न हो के सतगुरु जी ने अपने मुखार बिंद तो बचन किया। रचियो बंदगी नामा जोए, कहिंदे भाई जिहड़ा तू बंदगी नामा ए पोथी ए ग्रंथ रचिया है बनाया है। आह जिंदगी नामा सोए, आखो भाई वाहिगुरु महाराज कहिंदे अज तो असी इस पोथी का नाम जिंदगी नामा रखते हाँ, अज तो बाद इहदा नाम जिंदगी नामा, जिहड़ा पढ़ेगा ना उहदी जिंदगी सफल हो जाएगी, उहदा जीवन सफल हो जाएगा, उहदा जीवन धनता दे योग हो जाएगा। एडा वड्डा वरदान सतगुरु जी ने भाई साहब की बाणी नूं उहनां दी रचना नूं दिता। इस करके भाई साहब सतगुरां दी बाणी तो अलावा भाई गुरदास जी दी बाणी, भाई नंद लाल सिंह जी दी बाणी, इहदा गुरु घर दे विच बहुत वड्डा सन्मान और सत्कार है, पूजनीक हन। हर गुरसिख नूं इहनां दी बाणी विचों प्रमाण देण दी, पढ़न दी, विचारन दी, समझण दी बड़ी भारी लोड़ है। इस करके महाराज जी ने उहदा नाम, उस पोथी दा नाम श्री आनंदपुर साहिब विखे जिंदगी नामा रखिया। करियो सराहन नीके बनियो, महाराज जी ने बहुत महिमा कीती भाई साहब दी रचना दी, कहन लगे बहुत ही चंगा, बड़ी सुंदर तुसी ये रचना रची है, बहुत ही सुंदर वाहिगुरु दा जस गुंथन कीता है। पठत सुनत हित दायक बनियो, जेड़ा ये तुहाडी बाणी नू पढ़ेगा सुनेगा, ये बाणी सारिआं नूं सुख देण वाली है, भाव तुहाडी रचना हर एक नूं सुख देवेगी, पढ़न वालिआं नूं भी, सुणन वालिआं नूं भी। मीर दरोगा सैयद साहिब, जिहड़ा मीर दरोगा आया सी सैयद भाई साहब दे नाल दर्शन करन वास्ते सतगुरां दे, नंद लाल को सिख अजायब, ये भाई नंद लाल जी दा सिख सेवक सी, और भाई साहब जी की करनी नूं वेख के ये भाई साहब का महान सिख बनिया, बहुता प्रेमी और बड़ी भावना विच प्रेमा भगती विच भिजी हुई आत्मा सी। भाई साहब की संगत करके रंग लागत 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 है, भ्रम भागत 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 है, भगती का रंग चढ़ चुका सी इस उत्ते, ऐसा आश्चर्य जीवन वाला ये सिख भाई नंद लाल जी का सेवक सी। डेढ़ हजार मोहर तारे आगे, ये सैयद मीर ने दरोगे ने डेढ़ हजार सोने की मोहर
अपनी किरत कमाई विचों जो इनू मिलिया जोड़ जोड़ के रखिया वो सारी 1500 मोर सोने दी धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के चरणों में अगे रख के मत्था टेकिया। सिखां दी इन्नी भारी श्रद्धा सी सतगुरां दे उत्ते, सिखां ने दसां नौहां दीआं कमाईआं कर करके सतगुरां दे दर दी सेवा कीती। भाई गलगी धर की चरनी लागे, सतगुरां दे चरनी लागिआ नमस्कार करके महा प्रेम ते जल भर नैण, इन्ना प्रेम नाल हिरदा भरिआ, वह प्रेम का भरिया हिरदा जिहड़ा साध संगत जी नेत्रां द्वारा वग तुरिआ, जिवें सोमे पानी दे वगदे इस तरह नेत्रां विचों प्रेम दा जल वग तुरिआ, अथरू प्रेम दे केरदा है। मुख ते नह निकसत कुछ बैन, और मुख तो कोई बचन नहीं बोलिया जांदा, बाणी गदगद हो गई, कंठ रुक गया, बस उस आनंद नूं जिहड़ा आनंद सतगुरां दे दर्शन करके नमस्कार करके आनंद आया ना, वह आनंद प्रेम दे अथरुआं द्वारा बाहर आया, रसना द्वारा कुछ बोलिया नहीं गया। दर्शन करत अमी जन पीवत, दर्शना दा अमृत जेड़े दर्शन कर रहा ना, ये दर्शना दा अमृत भाई साहब मीर दरोगा जी सतगुरां दे दर्शना रूप अमृत नूं पी रहे हैं प्रेम दे विच भिज के। लोचन डोने कर थित थीवत, नेत्रां रूप डोनिया दे नाल, नेत्रां रूप डोने लैके उन्हां द्वारा सतगुरां दे दर्शना रूप अमृत नूं पी रहे, अपने हिरदे दी तपश मेट रहे हैं। भयो मगन मन देखत रहे हो, सतगुरु जी दे दर्शन करद्या करद्या मन इन्ना मस्त हो गया, इन्ना मन जुड़ गया, कुछ बोलिया नहीं जाता, और शुद्ध की ना शुद्ध रही, बुद्ध की ना बुद्ध रही, मत मैं ना मत है, ऐसी अवस्था बन गई है प्रेम दे विच। लख्या जे तन खुदाए मैं लहियो, जान लिया अज के अज मैं प्रतख धरती दे उत्ते खुदा दे दर्शन कर ले। भाई साहब नूं कहिंदा सी, भाई साहब मैनू खुदा दे दर्शन कराओ, भाई नंद लाल जी कहा करदे समा आएगा तैनू खुदा दे दर्शन भी करावांगे। अज सतगुरु महाराज जी दे आनंदपुर साहब आके जो दर्शन किते ना, हिरदे विच इन्नी प्रसन्नता नाल हिरदा भर गया, अज समझदा है कि जिन्हां दे मैं अज प्रतख दर्शन कर रहा, ये खुदा दे दर्शन मैनू अज प्रतख हो गए, इन्नी श्रद्धा है, इन्नी भावना है। इन्नी भावना जदों बन जाए कि मेरे सतगुरु परमेश्वर का स्वरूप है, अकाल पुरख का प्रतख रूप हैं, तो उस भावना नाल दर्शन कर लवे, सिख मुक्त हो जाएगा। सारी जिंदगी साध संगत जी जिहड़ा जप तप करना, सेवा करनी, बाणी पढ़नी, सत्संगत करनी है ना, ये इस लई बहुत जरूरी है कि ये वो भावना का शिखर सानू प्राप्त हो जाए, शरदा दी ओ मंजिल मिल जाए जिहड़ी अज मीर दरोगे दे हिरदे दे विच बनी हुई है। बिना सेवा, बिना सिमरन, बिना जपता, बिना सत्संगत तो वह भावना नहीं बन सकती कदे वास्ते भी। ये साधन करने ही पैंदे है, करद्या करद्या फिर जदों गुरु साहब की कृपा हो जाए फिर वह शरदा किते जा के हिरदे दे विच प्रगट हो जाती है, सफुट हो जाती है। इस करके बहुत मन मस्त हो गया है, मस्ती दे विच सुरूर चढ़ गया सतगुरां दे दर्शन करद्या। दशा देख कर परम कृपाल, कृपालू सतगुरु जी दी दशा इहदी प्रेम दे विच भिजी हुई, भावना दे विच भिजी हुई हालत नूं वेख के सतगुरु जी ने बचन कीते। बोले मुस्कावत तिस काल, ओ समय मुस्करा के सतगुरु महाराज तानो कलगिया वाले दी मुस्कराहट जिहड़ी इहदे उत्ते हो रही है, सच्चे पातशाह मुस्करा के बोले इहनूं पुछिया है। बैठो निकट कहो निज बाती, भाई साडे नेड़े हो के बैठ, कलगिया वाले सतगुरु अपने नेड़े बिठा रहे है, कहिंदे नेड़े हो के आ साडे कोले बैठ ते अपनी जिंदगी दी कोई गल दस सानू, कोई अपनी जिंदगी दी वार्ता, कोई बचन सुनास, असी तेरे तो सुनना चाहुंदे हां। किसको तू मुरीद बखियाती, पहली गल दस तू किदा मुरीद है, किदा सेवक है प्रतख रूप दे विच,
ਇਹ ਗੱਲ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰੀਦ ਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਹਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕੇ ਹੈ ਅਨੁਸਾਰੀ। ਜਾਣਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਪਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਤੂੰ ਮਰੀਦ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਕਰ। ਜਿਸ ਤੇ ਚਾਹਤ ਭਲੋ ਅਗਾਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਮੰਗਣੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਦਾਤ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਮੰਗਦਾ। ਇੱਕ ਸਦੋਹ ਚੌਕਿਆ ਗਣੀ ਸਭ ਇਕਤ ਸਾਧ ਮੁੱਠੀ, ਇੱਕ ਅਧ ਨਾਇ ਰਸੀ ਅੜਾ ਕਾ ਵਿਰਲੀ ਜਾਏ ਬੁੱਠੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਨੁੱਖਾ ਤਨ, ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਰੱਖੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭਲਾ ਭਾਅ, ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲੀ ਹੋ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖਾ ਤਨ। ਸੁਣ ਸੱਯਦ ਬੋਲਿਓ ਤਿਸ ਬੇਰਾ, ਇਹ ਮੀਰ ਦਰੋਗਾ ਸੱਯਦ ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਦੱਸਿਆ ਇਸਨੇ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਹੈ ਇਹੋ ਗੁਰ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤੁੱਲ ਮੰਨਿਆ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਪਰਸ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਚੰਦਨ ਕਾ ਬਿਰਵਾ ਭਲਾ, ਵਿਹੜਿਓ ਢਾਕ ਪਲਾਸ, ਓਏ ਵੀ ਚੰਦਨ ਹੋਏ ਰਹੇ ਬਸੇ ਜੋ ਚੰਦਨ ਪਾਸ। ਚੰਦਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੂਸਰੇ ਬਿਰਛ ਵੀ ਚੰਦਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਇਉਂ ਚੰਦਨ ਵਰਗਾ ਰੁਤਬਾ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ, ਕਰਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੰਨਦਾ, ਤੇਰਾ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਹੜਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ। ਸਿੱਖ ਮੈਂ ਬਣਿਓ ਲਿਓ ਉਪਦੇਸ਼, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਆਪਣਾ ਆਗੂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤੇ ਹਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਅਸ਼ੇਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਪ ਮਿਟ ਗਏ। ਪਾਪ ਮਿਟਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ ਮਿਟ ਗਏ। ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨੱਚਣਾ ਜਿਸ ਕਹਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੱਚਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨੱਚਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਖਲਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੱਚਣਾ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸਨ, ਤਬੈ ਸਮੀਪ ਗੁਰੂ ਕੇ ਅਹ, ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਸਨ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਣ ਕਰ ਤਰਕ ਕਰਤ ਸੋ ਬੋਲਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨੱਚਣੇ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਇਸ ਮਰੀਦ ਸੱਯਦ ਤੁਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਕ ਕੀਤੀ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਤਰਕ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾੜਨਾ ਦਾ, ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੂਰ ਕੇ। ਐਸੋ ਬਾਕ ਨਾ ਕਹੀਐ ਹੌਲਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਓਏ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਹੌਲੇ ਬਚਨ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੋਈ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਤੀਨ ਲੋਕ ਪਤ ਗੁਰ ਵਿਦ ਮਾਨੋ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਤੁਮ ਗੁਰੂ ਬਖਾਨੋ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦਬ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨੇ ਹੌਲੇ ਬਚਨ,
तेरे मुख तो निकल रहे हैं, उन्होंने बड़ी ताड़ना की। कहन हजूर ना एह अधिकारा, ए बचन गुरु साहब दी हजूरी दे विच कहन दे, किसे भी सिख लई अधिकार नहीं है सिखा नूं। उचरन की जरदा बेचारा, जेड़ी भी गल गुरु दी हजूरी विच कहनी उहनू सौ वेरी हिरदे विच विचार करो। उहदी गुरु की हजूरी विच कोई बचन करना, सौ वेरी उसनू सोचो अते विचारो हिरदे दे विच के बचन गुरु दी हजूरी विच करन वाला भी है। सुन सैयद तूशन होए रहे हो, ओ बेचारा सिंह दी ताड़ना सुन के तैयार पर तैयार तत खालसा सी भाई आलम सिंह नचना, ओ ता थाई चुप कर गया, कोई अगों कोई शब्द नहीं कहा। श्री सतगुरु तिसको मन लहे हो, और सतगुरु महाराज जी ने दरोगे दे मन दी भावना नू जान के समझ के केदी भावना है भाई साहब दे उत्ते। आलम सिंह ना हटक परवीना, महाराज सच्चे पातशाह जी ने भाई आलम सिंह नू की कहा, कहन लगे आलम सिंह तू इनू ए बचन कहन तो हटक रोक ना, कि भाई नंद लाल सिंह मेरा मुरशद है, इस गल तो इनू रोक ना, हटक नाम भी रोक ना इनू, ये जो कह रहा ना ये इहदी श्रद्धा है, इहदी भावना है, इहदा सिदक है, इस करके ये बहुत ही प्रवीण दा अर्थ है, ये प्रेम दे विच भिज्जिया होया निर्मल आत्मा, ये सिखी दा प्यारा है जिहड़ा दरोगा है। नंद लाल को गुरपद दीना, आखो भाई वाहिगुरु वाहिगुरु। महाराज कहिंदे नंद लाल सिंह भी मेरा ही रूप है, मेरे विच ते भाई नंद लाल सिंह विच महाराज कहिंदे कोई फर्क नहीं, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूँ करो निवास, खालसे नू अपना रूप बनाया। दुनिया विच ऐसा गुरु कदे मिलेगा आपां नू जिन्होंने सानू अपना रूप बनाया होवे? साध संगत जी, दुनिया विच वड्डे वड्डे अवतारां दे पैगंबरां दे प्रसंग पढ़ लो, अपने मरीदा नू अपने सेवकां नू किसे भी अवतार गुरु पीर ने रुतबा नहीं दिता, जिहड़ा रुतबा सतगुरु कलगीधर पातशाह जी ने सानू दिता। गुरु खालसा खालसा गुरु होयो, चमकौर साहब जी दे उस कच्ची गढ़ी दे विच बचन सतगुरां ने अपने मुखार बिन तो कहे सन। इस करके भाई नंद लाल सिंह जी बारे कहन लगे सच्चे पातशाह, कहिंदे भाई नंद लाल सिंह दे विच ते मेरे विच की फर्क है, हर हर जन दुई एक है, वि विचार कछ नाहे, जल ते उबड तरंग ज्यों जल ही बिखै समाहे, हर का सेवक सो हर जेहा, भेद ना जाणो मानस देहा। इस करके भाई नंद लाल सिंह नू मैं गुरमुखां वाली पदवी दित्ती, अपना रूप बनाया है। मैं बख्शी शकीन तिस ताई, भाई नंद लाल सिंह उत्ते मैं ये बख्शिश कीती है, इन्हां नू गुरमुख पदवी मैं दित्ती है। सतगुरु कहिंदे आए बनै सिख सो सुख पाई, जिहड़ा भाई नंद लाल दा सेवक बनेगा ना ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਮੋਕੋ ਜਾਣਿਓ, ਆਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਪਾ ਮੇਰੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੋ ਭਲੋ ਸਰੂਪ ਪਛਾਣੇ, ਮੇਰਾ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕੋ ਗੁਰਪਦ ਹੋਵਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਦਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਦਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਦਵੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਭਾਈ ਚੰਡੇ ਬਾਢੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਰਹਿਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾਓ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆਪ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਪਾਉਂਦਾ
वो धनता दे योग आ, वह मेरा रूप है। इस करके जन नानक धूड़ मंगे तिस गुरसिख की, जो आप जपै अबरह नाम जपावे। जिहड़ा आप जपदा दूजिया नूं जपाउंदा, महाराज कहिंदे उस गुरसिख की धूड़ी असी मंगदे हाँ। ये पदवियां गुरसिखां नूं महाराज जी ने बख्शिश कीतियां, पर इन्हां पदवियां दा कईयां ने नजायज़ फायदा भी उठाया। कई देहधारी बन के आप गुरु बन के लोगों नूं अपने सेवक बनाउण लग पए। मसंदा नूं भी इहो ही पदवी सी, जिहड़े करनी वाले सन। भाई फेरू जी साध संगत जी काबल दे उधर पिशौर दे इलाके दे विच सिक्खी दा प्रचार करदे, और कलगीधर पातशाह जी ने जदों मसंद साड़े ना इत्थे आनंदपुर साहब, ते सच्चे पातशाह जी नूं किसे सिख ने शिकायत कीती भी भाई फेरू नहीं आया। महाराज कहिंदे उहनूं मुश्कां दे के दाड़े तों फड़ के लै के आओ, जिथे भी होवे उसे हालत विच। भाई फेरू बाहर नूं शरीर की किरिया सोधन जा रहे सन, सिंघां ने जा के बचन सुना दिता। कहन लगे जी मैं हुणे तुहाडे नाल जाणा। कहिंदे मेरे सतगुरु का हुक्म की है? कहिंदे हुक्म बड़ा करना, पर भाई फेरू तेरी करनी वेख के, तेरा प्रताप वेख के साडा हौसला नहीं पैंदा, साडी हिम्मत नहीं कि तेनूं हथ ला सके। भाई फेरू अगे अगे तो चल पए कि मेरे सतगुरु का अकाली हुक्म है। जदों आनंदपुर साहब की जूह विच आए, सिंघां नूं कहन लगे जिवें मेरे मालक का हुक्म है मैनूं उवें सतगुरां की कचहरी विच लै के जाओ। मुश्कां बन्नियां पिछे बाहां, एक सज्जे पास्यों एक सिख ने दाड़ा फड़ लिया, खब्बे पास्यों एक पास्य सिंह फिर भी ना फड़न। कहन लगा नहीं, गुरु का हुक्म मनना पवेगा। जदों भाई फेरू नूं महाराज की हजूरी च सिख इस तरह लैके आए ना, कलगियां वाले दे नेत्रां विच जल आ गया। कहिंदे भाई फेरू की सच्ची दाड़ी है, सिखो ये छड़ दिओ। धन भाई फेरू महाराज ने बचन कहे सन भाई फेरू नूं। सात संगत जी ऐसे गुरमुख गुरसिख भी सन जिन्हां ने गुरु के एक एक बचन उत्ते पहरा दिता, पर उहदी आड़ विच मसंद जिहड़े सन वह गुरु बन के बैठ के अपनी पूजा कराउण लग पए सन। सिखां दी माया दी गलत वरतों करदे सन, वेशमावां दे नाच कराउणे, शराब मांस खाणा पीणा, ऐसे माड़े मंद कर्मी जिहड़े कुकर्मी सन, उहनां ने उस गुरमुख पदवी दे नाल बड़ी बेइनसाफी कीती सी, तां महाराज ने मसंदा नूं डन्न दित्ता सी। पर गुरमुख दी पदवी महाराज जी ने गुरसिख नूं दित्ती है, पर उहनूं गुरमुख दी पदवी तक ही सीमित रहना चाहीदा, उह तों अगे नहीं जाणा चाहीदा। उह तों अगला रुतबा धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दा है। कोई गुरमुख बन के कहे ते मैनूं गुरु बन, मैं हुण तुहाडा गुरु बन गया, मैनूं मन्नो पूजो, उस नूं कदे भी नहीं मानना पूजना, उहदे वल तां झाकणा भी नहीं, कदे वेखणा भी नहीं। जिहड़ा कोई करनी वाला उहदा भाई गुरसिख दा गुरमुख दा सत्कार करना, इह महाराज जी ने सानूं सिखाया। इस करके सतगुरु कहिंदे ऐ, इस करके कहिंदे भाई नंद लाल सिंह नूं मैं अपना रूप बनाया, ये पदवी गुरमुखता वाली इन्हां नूं दित्ती होई है। भगत ज्ञान को रस इन जोवा, भगती दा ते ज्ञान दा रस इन्हां ने जान लिया। ये वह ज्ञान नहीं जिहड़ा इलमी ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान दे रस नूं ते भगती दे रस नूं उस आनंद नूं इन्हां ने जाणिया है। सतगुर मेहर नदर की धारे, सतगुरां ने कृपा दी निगाह कीती उस समय बहुत हिरदे विच प्रेम नाल भर के। अनक गुरु कर जग विस्तारे, महाराज कहिंदे भाई महाराज जी ने की वरदान दिते, कहिंदे भाई नंद लाल सिंह जैसे बहुत गुरमुख असी पंथ विच पैदा कर दिते। अज तो भाई नंद लाल सिंह वर्गे करनी वाले गुरसिख मेरे पंथ विच होणगे, जिहड़े संगत दी सेवा करिया करनगे। आलम सिंह सो करियो बखान, और जगत दे विच बड़ा भारी उहनां दा विस्थार होएगा, सिक्खी फैलाउणगे, गुरमत नूं दृढ़ करवाउणगे। इउं सच्चे पातशाह जी ने भाई आलम सिंह नचने नूं
ਇਹ ਬਚਨ ਉਹ ਸਮੇ ਸਮਝਾਏ ਕਹੇ ਮੀਰ ਸੋ ਵੱਡੇ ਮਰਤਬ ਦਾਨ ਅਰੇ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰੋਗਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਜਾਣ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਰਾਤਬਾ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਸੀ ਇਸ ਦਰੋਗੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਗ ਖੁਦਾਏ ਕੋ ਅਹ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ ਇਹ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਨਿਰਮਲ ਆਤਮਾ ਹੈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਹਿ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰ ਮਰਾਤਬ ਦਾਨ ਸੁਜਾਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਦਾਨਾ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਰਾਤਬਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਔਰ ਬੜਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਇਹ ਧੰਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਇਹ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੇ ਨਿਕਟ ਮਹਾਨਾ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਬੜਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹਨੂੰ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਮੁੱਖ ਮੋਟੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਫੌਜ ਦਾ ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਤੂੰ ਬੜੇ ਸਖ਼ਤ ਬਚਨ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹੇ ਸਾਡੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਹੁੰਦਾ ਸਖ਼ਤ ਕੌੜੇ ਫਿੱਕੇ ਬੜੇ ਸਖ਼ਤ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੂੰ ਸਾਦੇ ਖਰੋ ਕਰਤ ਹੈ ਹਾਥ ਬਿਲਾਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਖੜਾ ਹੈ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਹਾਸ ਬਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਦੇ ਬਚਨ ਤੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਇਮ ਕੈ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਬਹੁ ਕਰੀ ਤੂੰ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾੜਨਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤ ਹਿਰਦੈ ਤਿਸ ਧਰੀ ਆਖੋ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਰ ਦਰੋਗਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਈ ਕਿਰਪਾ ਕਟਾਖ ਅਵਲੋਕਨ ਕਿਨੋ ਦਾਸ ਕਾ ਦੁੱਖ ਵਧਾਰਿਓ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਐਨ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਈ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰਦੀਆ ਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਬਨਾਸ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪਇਓ ਨਿਹਾਲ ਪਾਏ ਗੁਰ ਕਰੁਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਨਿਹਾਲ 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 ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟ ਹਰਿਓ ਜਨਮ ਅਰ ਮਰਨਾ ਆਖੋ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟ ਕੱਟੇ ਗਏ 84 ਲੱਖ ਦਾ ਗੇੜਾ ਤੇਰਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਨੰਦ ਲਾਲ ਗੁਰ ਕੇ ਟਿਗ ਰਹਿ ਤੂੰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚੈ ਲਹਿ ਔਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪ੍ਰਪੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਤਿਚਿਤ ਆਨੰਦ ਹੈ ਧਨ ਆਪਣੋ ਸੰਤਨ ਕੋ ਦੇਵੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਧਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇਹ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਨ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਧਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਨ ਦੇ ਦਈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹਿਤ ਕਰ ਸੇਵਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹਿਤੋਂ ਦਿਲੋਂ ਹਿਤ ਨਾਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਵਿਦਾ ਹੋਏ ਕਬ ਘਰ ਕੋ ਜਾਏ ਇਉਂ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧਰਤ ਧਿਆਨ ਔਰ ਬਿਖੈ ਬਸਾਏ ਪਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਰ ਨਿਕਟ ਰਹਿਬੇ ਕੋ ਆਵੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਰਬ ਵਿਸਾਲ ਅਕੋਰ ਚੜਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧਨ ਲਿਆ ਕੇ ਚੜਾਵਾ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਚਿਤਾਰੇ ਇੱਧਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੀਰ ਦਰੋਗੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਕਦੇ ਕਦੇ
ਵੱਡਾ ਬਲੀ ਬਹੁ ਸਤੁੱਤ ਉਚਾਰੇ ਬੜੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਿਕਟ ਵਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵਿਦਿਆ ਦਾਤਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਲੀ ਸੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਤ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਆਨੰਦ ਲਾਲ ਸੀ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਲੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਤ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਹੋਈ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਸ ਤੇ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਲਖੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੇ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਮੀਰ ਦਰੋਗਾ ਸੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ ਫਕੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਮਹਾਂ ਸ਼ਰੀਅਨ ਤੇ ਡਰ ਪਾਵੇ ਪਰ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਡਰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਭਾਈ ਆਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੀਰ ਦਰੋਗੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਫਕੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਬਦਰ ਤਰਾਸ ਕੋ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਵੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਡਰ ਬਹੁਤ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਭੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਭਾਈ ਆਨੰਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹਿ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜਾਨ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਭਾਈ ਆਨੰਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭੈ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਪਰ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿਲਣਾ ਹਿਰਦਾ ਲਖ ਹੈ ਗੁਰ ਕਰ ਹੈ ਉਦਾਹਰਨ ਇੱਧਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੀਰ ਦਰੋਗੇ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵੱਡੇ ਆਨੰਦ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਮੀਰ ਦਰੋਗਾ ਤੇ ਭਾਈ ਆਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਮਿਲੇ ਆਨ ਗਨ ਸਿੱਖ ਬਿਲੰਦ ਇੱਧਰ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਭ ਡੇਰਨ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਸਨ ਡੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡੇਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਟਿਕਾਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਸ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਡੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬੜਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਾਸਤਕ ਟੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੜ ਗਿਆ ਨਾ ਭੇਖੀ ਇਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਡਦੇ ਹੈ ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਡੇਰੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨਾ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੂੜ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿਣ ਨਾ ਪਾਵੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇੰਨੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਇੱਥੇ ਭਈ ਗੁਰੂ ਟਿੱਗ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਰਚਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਹਿੱਤ ਦੇਗਨ ਕੇ ਸਭ ਧਨ ਖਰਚਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਫਲਾਨੇ
लंगर दे उत्ते देग नाम लंगर दा है, लंगर विच बड़ा खर्च करते हैं, बड़ी माया लाउंदे है, अज भी बड़ी भारी कृपा सिखो जे थोड़ा बहुत आप बचे बैठे हैं ना, आ लंगर की सेवा महाराज तुहाडे कोलों कराई जांदे है। इहदे प्रताप नाल महाराज साडे वड्डे वड्डे दुख वड्डियां वड्डियां विपतावां संकट कट्टी जांदे है, जे ये भी ना हुंदी पता नहीं साडा की हाल होना सी। इस करके लंगर दे विच सिख बड़ा धन खर्चदे है, चर्चा होई सतगुरां दे पास, निज निज डेरे सगरे करहीं, अपने अपने डेरियां विच स्थानां विच सारे वित नालों वध सोहना सोहना लंगर बना के तैयार करदे है, संगतां नूं छकाउंदे है, भाओ भगत को नीके धरहीं। जिवें भाई तुसीं मोगे वाले बैठे है, हरचोआल दे बैठे है, इधर जगरावां दे इलाके दी संगत तुही लड्डू जलेबियां पकवान बना बना के जोर नाल सेवा करके छका रहे हो ना, महाराज दे समय भी इदा ही सिख छकाउंदे सन। हर सिख अपने वित नालों भी वध के जोर लाउंदा सी, उदों भी लड्डू जलेबियां माल पूड़े बना बना के छकाउंदे सन, यूं अपने अपने स्थानां ते सारे सेवा करदे सन। भले भले सिख करें बखान, बड़ी प्रेमा भगती प्रेम रखदे मन विच चंगी तरह, और सारे सिख जदों वख वख डेरियां तो लंगर छके जांदे ते सारे लंगरां दी महिमा करदे जांदे भी इस अस्थान दा लंगर बहुत सुंदर है, इस अस्थान दा बहुत वधिया लंगर है। गुरजी लंगर होए महान, हे महाराज जी तुहाडी कृपा नाल इत्थे आनंदपुर साहिब च बड़े लंगर बन रहे हैं, बहुत सुंदर लंगरां दा प्रवाह चलिया होया है। गलगी धर कै करै सो अच्छे, महाराज कहिंदे भाई चंगी गल है, चंगी गल है, अगों गुरु साहब ना सुन सुन के गल्लां उहनां दीआं जिहड़े मेरे वर्गे बैठे है कोले, अपनी वड्याई आप ही करी जांदे है। महाराज साहब नूं ऐ समझदे वी जिवें गुरु साहब नूं पता ही नहीं हुंदा, महाराज कहिंदे चंगी गल है जी, चंगी गल है, बहुत चंगी गल है, बड़ी वड्डी तुहाडी सेवा है। तौ आप देखें और बांछे, महाराज जी दे हिरदे विच संकल्प होया कि इहनां दा लंगर इक दिन वेख तां लईए किते जा के, कि किहो जिहा लंगर चलाउंदे है, ऐवें तां नहीं बैठे गल्लां ही बणाई जांदे, अपनी सिफत आप ही करी जांदे है। मेरे वर्गा लंगर दे विच साध संगत जी सुखा प्रशादा बना के बाहर कवे मैं देसी घ्यो दियां जलेबियां बनाइयां, जे कोई ओह भला पुरश आ के देखे कवे भी तूं आ जलेबियां बनाइयां सुखियां, मत्थे मारी जाना संगत दे, महाराज जी का भी फुरना हो गया। कहिंदे भी ये जिहड़े अपने लंगरां दी वड्याई करदे आ इहनां दे लंगर जा के इक दिन वेख ही लईए। बीत गए केतक दिन पाछे, महाराज जी ने पता नहीं लगन दिता, कई दिन जदों बीत गए गुजर गए, अपर बेस निज तन मैं काछे, अपने शरीर ते लिबास होर पा लिया, भाव सादे जे वस्त्र खद्दर दे पा लए, ते अपना चेहरा भी महाराज जी ने चादरे दी बुकल मार के ढक लिया, जिस ते जान सका नह कोई, जिस करके कोई महाराज नूं पछाण ना सके, इहो जिहा महाराज जी ने अपना बाहरों बाणा लको के चादरे नाल ढक के सच्चे पातशाह जी चल पए लंगरां नूं वेखण। इस प्रकार के श्री प्रभ होए, यो महाराज जी ने अपनी बाहरली किरिया इस तरह सादी बना लई। सिखन के डेरे जब गए, सिखां दे डेरियां विच जिथे लंगर चलदे सन उत्थे गए वख वख थावां ते, दियो आहार मौका शुद्ध पए, महाराज की कहिंदे भई सिखा मैं बड़ा भुखा, मैनू बहुत भुख लगी है, मैनू लंगर दियो छेती छकणा, यूं मंगते जे बन के लंगर मंगदे आ जाके डेरियां विच्चों, कितक काल मैं हो वह त्यार, अगों फिर अगला की कहिंदा तू बाला काला अजे लंगर त्यार थोड़ो हो गया तेरे अगे परोस दीए, अजे समा लगेगा लंगर बन नूं टाइम लगेगा, किन्ने क समय तक अजे लंगर त्यार होना, वो अगों झिड़क दिंदे आ, अंतरजामी सतगुरु अपना कौतक रच रहे हन। बैठो बन है लेहो आहार, काला ना पै इत बह जा चौंकड़ा मार के, जदों लंगर बन गया तेनू छका देंगे, अपर सिख के पहुंचे जाए, महाराज जदों उत्थों झिड़क मार देंदे महाराज दूजे लंगर च चले जाते हैं, जच अपनी शुदा जनाए, सच्चे पातशाह उहदे अगे भी जाके अपनी भुख रखते हैं। ये एक भावना रखनी है भाई, आप
महाराज हुण भी तुहाडे लंगरां च रूप धार के आ जांदे आ कई वारी, इह ना सोचियो कि उदों ही आए सी। गुर मेरा संघ सदा है नाले, सदा अंग संगे। सतगुरु जदों कदे अपने सिखां दी सेवा देखण वास्ते सिखां दे रूप च महाराज अज भी आ जांदे आ सच्चे पातशाह। इस करके भाई सानू श्रद्धा रखनी चाहीदी है, भावना रखनी चाहीदी है कि जिन्हों असी समझदे नहीं कि पता वो महाराज साहब आप ही ना आए होण। इस करके भाई बड़ा भै श्रद्धा भावना नाल लंगर की सेवा करनी चाहीदी है। और मेरी तो यह बेनती है कि अपनी ये भावना बन जाए कि जिन्नी संगत लंगर विच आ रही है सारी गुरु साहब का रूप है, महाराज आप लंगर छकन आ रहे हैं, आप लंगर की सेवा साड़ी प्रवान करन आ रहे हैं संगत दे रूप विच। जे ये भावना समझ के सेवा करांगे तो तुहाडियां साध संगत जी पौं बारां तुहाडी जय जयकार, लोक परलोक दे विच तुहाडे ते रहमतां होणगियां सच्चे पातशाह जी दी। जे भावना रख के आपां सेवा करांगे जाजो अपनी शुदा जनाए मारा, फिर अगे चले जांदे आ, फिर दादे मैं बड़ा भुखा मैनू लंगर दिओ। बोलियो सूप होण की देर, अगो रसोईया कह दिंदा अजे लंगर नहीं बनिया अजे देरी लगेगी, भोजन लेहो आन कर फेर, तू हुण चलिया जा जदों लंगर तैयार हो गया नगारा वजेगा जां कड़ियाल खड़काई जावेगी। पुराने समयां च लंगर जदों तैयार हुंदा जां सिंह घड़ियाल खड़काया करदे सन, जथे विच महापुरखां दे समें घड़ियाल वज्जिया करदी सी जां नगारे ते चोब लगदी सी। इस करके जदों नगारा खड़किया वज्जिया उदों आके छक लई पता लग जाएगा भी लंगर बन गया है। तिस दे सुन तीसर के गए, फिर मारा तीजे सिख दे डेरे विच चले गए उतों भी जवाब लैके, देहो आहार को जाचत पए, मारा विचारे जे बन के भई मैनू भोजन दे दियो प्रसादा दे दियो भुख लगी है। सुन के बढ़नो रहो आनंद, ओ सिख कहिंदा जे आनंद साहब दा पाठ करन वाला रहिंदा तेनू भोजन कितों परोसने, माल पूड़े लिया के तेरे अगे रखदा जे आनंद साहब पढ़ना मैं। लीजे फिर ठहर एक बिंद, एक बिंद थोड़ा समा ठहर जा, फिर तेनू आनंद साहब पढ़ के भोग लो आके देंगे। हुण तिसते आगे चल खरे, महाराज अगे चौथी थां ते जाके लंगर विच खड़ गए। इसी प्रकार जाचबो करे, ओवें मंगदे हन जिवें पहलियां थावां ते मंगिया सी प्रसादा। कहियो बैठ संगत नह आई, ओ अगला भला मानस कहिंदा जे संगत नहीं आई पंगतां नहीं लगियां इत्थे बह जा, जदों बाहर बह इत्थे बाहरले पासे जदों पंगत लग गई तू भी अंदर आ जाई तेनू भी बिठा लांगे। मिले सकल पुन लीजो खाई, फिर मिल जूगा पूरा लंगर खा लई भर लई पेट चंगी तरां। फिरे बहुत थल हाथ न आयो, बड़ियां लंगरां दे विच थावां ते डेरियां विच गए पर कितों भी लंगर नहीं मिलिया तैयार होया होया। डोलत कर कर गुर अकलायो, मारा सच्चे पातशाह जी थां थां ते देखो दीन दुनी दे मालक की कौतक रच रहे है। थां थां लंगरां दे विच गए कितों भी प्रसादा ना मिलिया सच्चे पातशाह नूं तैयार होया। उपजो क्रोध जो फिरे विशाल, जदों बहुत लंगरां विच गेड़ा कढ़िया फिर सच्चे पातशाह जी दे हिरदे विच भी रस भी आ गया ये चंगा लंगर चलाउंदे आए ये तो भुखा ही मारी जांदे आ मैनू। चल आए पुन जह नंद लाल, फिर हुण जिथे भाई नंद लाल सिंह दा लंगर चलदा सी ना उत्थे सच्चे पातशाह आ गए गरीब नवाज जी। सिखन स्वरूप देख कर भाई, भाई नंद लाल जी ने सिख दा स्वरूप वेख के कि कोई गुरसिख आया कोई गुरु का प्यारा आया महाराज जी दा सेवक। निकट होए कर गरीब निवाई, नेड़े हो के सिर चुका के नमस्कार कीती। पहली गल ए है प्रसादा ना भी होवे आए सिख नू सत्कार नाल सन्मान नाल फतेह बुलाओ, उहदा सत्कार करो, फोका जाली छका दिओ, जी आए ही आख दो इन्ने नाल तां कुछ नहीं विगड़ लगा अपना। सो भाई सिख ने भाई नंद लाल साहब जी ने
सिर झुका के नमस्कार की सिख का अदब किया सिख रूप विच सतगुरां दा पूजो किस कारज को आए हे गुरसिख जी महापुरख जी किस कारज की हुक्म है मेरे लिए किस सेवा वास्ते मेरे पास आयो मेनू दसो गुरबच कहो शुदा अकुलाए महाराज कहने मेनू भुख लगी है भुख ने बड़ा व्याकल कर दिता मैं लंगर छकन आया होर मैं इत्थे की लैण आया तेरे कोले सुनत गयो लंगर मैं ताए भाई नंद लाल सिंह जी ने एक नहीं गिणिया दौड़ के लंगर दे विच चले गए उस समय भोजन मात्र सोलीन उचाए जो लंगर दे विच हाजर सी सारा ही चुक लिया अपने हथा नाल गुंदेओ आटा भीगी दाल आटा गुन्या होया सी परात विच ते दाल पानी विच पा के भिओई होई सी वो भिजी हुई दाल भी पानी विच ते गुझिया होया जिहड़ा आटा सी गुन्या होया वह नाल लैके लीन घी ले समदा नाल सतसंग जी नाल घ्यो भी नाल लैके आए पंजवां पाया किरत तां होआ पाक पवित्र इहनूं पंजवां कहिंदा खालसा इह तों बिना रसोई पवित्र नहीं हुंदी इस करके भाई घ्यो भी लै लिया ते होर जिहड़ा मिर्च मसाला समग्री सी वह भी नाल लै ली भाई साहब ने समदा बालन भी लै लिया जो कुछ आ गया हाथ विच लै लिया आन सिख के आगे धरी ओ सिख रूप विच सतगुरु सन सारा कुछ महाराज जी दे अगे लिया के रख दिता बहुर खरे होए बिनती करी फिर हाथ जोड़ के बेनती की नम्रता विच लिहो अबे एक हाजर अह महाराज जो लंगर दे विच एन मौके ते हाजिर सी ए ता मैं तुहाडे चरणा विच लिया के रख दिता ए लै लो ते सेवा प्रवान करो हाजर दा मेला है अपर त्यार होवत जे बह जे माना थोड़ा समा बह जाऊं ता मैं हुणे प्रसादे तैयार करके लंगर बना के आप नू छकावांगा अपने हथी अब लाखत की जत तह खेद इस करके सच्चे पातशाह अब लाखत की जह तज खेद इस करके मेरे मन विच बड़ा खेद है कि मैं तुहानू प्रशादा अबलाखत इच्छा सी तुहाडा प्रशादा छकण दी तुहानू भुख लखी होई सी पर प्रशादा अजे तैयार नहीं होया रस्त जिहड़ी तैयार सी ओह मैं लिया के रख दित्ती है हटे हरख तर गुरु अभेद जो हाजर है महाराज ओह लै लो सच्चे पातशाह जी ने कोई अगों जवाब नहीं दिता ओह जो रस्त दित्ती लै के सच्चे पातशाह सतगुरु जी पिछे नू मुड़ पए चले गए लंगर दी रस्त सारी लैके सो ले कर निज निकट रखाए ओ रस्त सतगुरु जी आप देखो चुक के लियाए ते अपने कोले दीवान विच सच्चे पातशाह जी ने रखण वास्ते तैयारी कर लई सो स्वरूप सतगुर पलटाए ओ जिहड़ा बाणा सतगुरु जी ने लिबास बदलिया होया सी बदल के अपना सारा पहरे भूखन बस्तर बिसाल सोने बस्तर पा लए ऐन सड तड के तैयार बर तैयार होए सच्चे पातशाह सभा आन बैठे तिस काल दीवान विच आके बैठ गए सच्चे पातशाह दर्शन देन वास्ते हुन चर्चा विच सभा चलाई आप ही चर्चा शुरू कर दित्ती सच्चे पातशाह जी ने दीवान विच आप अपनी देख बताई के भाई तुसी सारे कहने हो साडा लंगर बड़ा वड्डा साडा लंगर बड़ा चलदा है ये तो अन्न लंगर होए तैयार और साडे लंगर विच इन्ना अन्न पकदा कोई कहंदा जी इन्ने मन मैं पकाउना कोई कहंदा मैं इन्नियां जलेबियां लड्डू बनाउना मना मुही कहिंदे तां तुसी बड़ा हो के एडा एडा लंगर बनदा है साडा सिख संगत सब करें आहार सिख संगतां साडे लंगर विचों आके सारियां छकदियां हन सुन कलगी धर सब विदताई महाराज जी ने सारियां दा पाज उघेड़ दिता संगत दे विच उस समय विचरे हम डेरन समदाई कहिंदे जिन्ने क लंगर चलदे आ मैनूं पता महाराज कहिंदे मैं सारियां डेरियां विच लंगर मंगदा रहा अज किहनूं कहिओ कुछ देर सुनावे कोई तां कहिंदा अजे देर तक लंगर तैयार होएगा अन्न सिद्ध न अंत लियावे कोई कहिंदा अजे प्रशादा तैयार नहीं होया तू होर किते चलिया जा उत्थों लै लै जाके सब सिखन के शुदा जनाई महाराज कहिंदे मैं सारे सिखां नूं जा जा के कहिया मैनूं भुख लगी है भुख लगी है
प्रशादा छका दो किसे ने भी छकाया किसके बैठना कुछ मुख पाई किसे कोले भी मैं बह के दो प्रशादे दिया बुरकियां भी नहीं छक सकिया किसे ने प्रशादा ही नहीं मेनू छकाया महाराज कहंदे हुन हम नंद लाल के गए फिर असी भाई नंद लाल दे लंगर विच उहदे डेरे गए सुदा विसाल जनाबत पए अपनी भुख बड़ी ज्यादा उहनां नूं दसी असी उस समय के बहुती भुख लगी हुई है सुनत प्रेम कर लंगर गयो साडा बचन सुन के बहुते प्रेम नाल भाई साहब लंगर दे विच गया नंद लाल तहते आन देत इस पयो आ कहंदे लंगर दी रस्त जिहड़ी पई है ना ये भाई नंद लाल सिंह ने सानू दित्ती लिया के लंगर दे विचो जो हाजर सी जो तैयार सी ओही अगे रख दिता सब सिखन को सो दिखलायो महाराज जी ने सारे सिखा नू दिखाया कहिंदे आ देखो आटा आ दाल आ घिओ आ समगरी जिन्नी भी है ये सारी भाई साहब दे लंगर विचो मिली ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਇੱਕ ਆਟੇ ਦੀ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜੋ ਅੰਨ ਜਾਚ ਕਰ ਲਿਆਇਓ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆਏ ਹਾਂ ਨੰਦ ਲਾਲ ਪਾ ਹਮਰੋ ਦਾਤਾ ਆਖੋ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਦਾਤਾ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਭਗਤ ਭਾਉ ਸੰਤਨ ਮਨ ਰਾਤਾ ਇਹਦਾ ਮਨ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਤਤ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕੈ ਚਿਰ ਭਾਰੋ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਦੇਖ ਕਰਤ ਸੋਈ ਮਮ ਪਿਆਰੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਕੋ ਦੇਖੈ ਸ਼ੁਦਾ ਵਿਸਾਲਾ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਦਿਸੈ ਬਤਾਵੈ ਨੈ ਚਿਰ ਕਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਿਰ ਲੱਗੇਗਾ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਉਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਭੁੱਖਨ ਕੋ ਕਰੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਰਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਸਿੱਖ ਮੋਹੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਧਰੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਦੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਅੰਨ ਦਾਨ ਸਮ ਨਾਹਨ ਅੰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਅੰਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਨ ਦਾਨ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧਤ ਪਿਖਤ ਹੀ ਦੇ ਨਰ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਨ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਛਕਾਉਂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਭੋਜਨ ਉਹ ਧਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਅੰਨ ਦਾਨ ਨੈ ਸਮੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅੰਨ ਦਾ ਦਾਨ ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਅੰਨ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਵੇ ਰਹਿਣ ਕਿਦੋਂ ਦਿਨ ਸਾਂਝ ਸਕਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਈ ਜਾਵੇ ਪੁੰਨਿਓ ਦਰਸ ਆਦਿ ਜੇ ਪਰਬ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਆ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੁੰਨਿਆ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੰਗਰਾਂਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿਹਾੜੇ ਜਾਂ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਨਾਹਨ ਪ੍ਰਤੀਖੈ ਤਿਆਗ ਹੈ ਸਰਬ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ ਹੀ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਛਕਾਵੇ ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਛਕਾਵੇ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਰੱਖੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ 'ਚ ਢਿੱਲ ਨਾ ਕਰੇ ਪਾਤਰ ਅਪਾਤਰ ਨਾ ਹੇਰਤ ਕੋਏ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬੜਾ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗਲੀਚੇ ਵਿਛਾ ਦੇਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਰਨਾ ਪਾਤਰ ਅਪਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਨਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਾਸਤਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਪਾਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈਗਾ ਧਰਮੀ ਅਪਾਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾਸਤਕ
कोई कहो जा भी है वो अपने कर्म ही है महाराज कहिंदे हर एक नूं बिना वितकरे तो बिना भेदभाव तो महाराज कहिंदे लंगर छकावे प्रेम दे नाल ऊच नीच कैसो नर होए फिर ऊच नीच नहीं वेखनी महाराज कहिंदे जात पात नहीं परखनी जिहड़ी मर्जी जात पात दा व्यक्ति होवे जिहो जा मर्जी होवे देखत शुद्धत अन्न कौ दे भुखा दे के अन्न जरूर देओ प्रसादा जरूर छकाओ महाराज कहिंदे सकल दान ते फल अदके जिन्ने वड्डे दान कोई सोने दा दान भी हीरियां दा भी करे पर कहिंदे इस दान दे तुल कोई दान नहीं है दुनिया विच सब तो वड्डा दान अन्न दा दान है मम सिख प्यारो देख जो करा बिना मेरा प्यारा सिख लंगर तैयार करदा है शुद्ध नरन की शुदा सोहर महाराज कहंदे भुखियां दी भुख दूर करदा सब नु रजाउंदा है सब दानन ते उत्तम दान उन्हे सारिया तो वड्डा उत्तम सब तो श्रोमणी दान लंगर देन दा प्रसादा छकाउण दा दान कर लिया अपने जीवन विच जिसके दिए बचत है प्राण अन्न दान देन दे नाल प्राण बचदे आ भाई जिंदगी मिलदी है या ते इस समान नह आन इस करके अन्न दान दे लंगर दे बराबर होर कोई दान नहीं है लिहो महाफल सिख सुजान ए साणे सिखो जे सब तो वड्डा फल लेना ता लंगर दी सेवा करया करो श्री मुख ते महिमा सुन ऐसे सतगुरां दे मुखार बिन तो ऐसी लंगर दी महिमा सिखा ने सुनी भए सुचेत सिख जे बस बैसे जेड़े बैठे सी ना ढिले जे ओ भी सुचेत हो गए महाराज कहंदे ढिलाइयां छड्डो बहाने बाजियां छड्डो हर समय लंगर तैयार रख्या करो संगत नूं भुखी ना जान दिया करो लंगर विच्चों भाव भगत को हिरदे धारा भाव भगती प्रेमा भगती नूं हिरदे विच धारण करो चह प्रसन्नता गुरु उदारा उन्हां उत्ते गुरु साहब दी बहुत वड्डी प्रसन्नता होएगी गुरु दा अर्थ इत्थे गुरु साहब भी है गुरु दा अर्थ इत्थे परमेश्वर भी है परमेश्वर उन्हां ते बहुत दयालु होवेगा कृपा करेगा प्रसन्न होवेगा उन्हां उत्ते देख बखै जब को चल आवे लंगर विच जदों मर्जी कोई चल के आ जावे बिना देर तत्काल छकावे बिना देरी तो बहुत छेती लंगर छका देवे ढिल ना लावे कदे भी शुद्ध तन रहे प्रण को धारा ए प्रण ए नियम धारण कर लवे के लंगर दे विच रहिंदिआं लंगर दी सेवा करदिआं कोई लंगर विच्चों भुखा ना जावे ए प्राण जरूर अपने जीवन विच मेरा सिख कहिंदे धारण करे जिन्हें लंगर दी सेवा करनी है उस वास्ते गुरु साहब दा ए हुक्म है महादान को सफल बेचारा ए सब तो वड्डा दान और सहत फल दे दान है इस दान नाल सारे फल प्राप्त हो जांदे धर्म अर्थ काम मोख ये विचार कर लो महाराज कहिंदे अपने हिरदे दे विच सो सात संगत जी ये सच्चे पातशाह जी ने लंगर दी महिमा जनाई है और भाई साहब दे उत्ते महान रहमतां कीतियां हन कथा विचार करदिआं होईआं भुल्लां चुकां गुरु महाराज गुरु की संगत ने खिमा करनी आ दीवान विच बहुत ही सत्कारयोग दमदमी टकसाल दे महान विद्वान सत्कार जो ज्ञानी जीवा सिंह जी भी पहुँच चुके हैं और तख्त श्री केसगढ़ साहब ते पंजा प्यारें दी सेवा निभाउण वाले सत्कार योग भाई साहब भाई सरबजीत सिंह जी भी पहुँचे है होर भी संगत विच पतवंते सतगुरु महाराज दी हजूरी विच हाजरी भर रहे हैं देश विदेश तो सारिया संगतां दा भाई रोम रोम करके बहुत बहुत धन्यवाद है कल नूं इसे तरह दीवान सजेगा सिंह साहिबान अते सन्मान योग संत बाबा बंता सिंह जी मुंडे पिंड वाले वह भी आके कथा की हाजरी भरनगे सो सारे ने वध तो वध लाहा लेना है हुण सत्कार योग ज्ञानी जीवा सिंह जी कुछ समा तुहाडे दर्शन करनगे और उस तो बाद फिर ढाडी जथे तुहाडा तुहाडे सन्म गुरु का जा साहिब नूं सरवण करवाउणगे संगत इस तरह जुड़ के एकाग्रता दे नाल भाई लाहा लो ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ ਤਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁੱਧ ਤਨ ਰਹਿ ਪਰਣ ਕੋ ਧਾਰਾ ਮਹਾਦਾਨ ਕੋ ਸੁਫਲ ਵਿਚਾਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ